कि हुण माफिया राज तो गांह जंगल राज शुरू हुंदा है, हुण जंगल दा राज है। मैनूं कहण लगे अफसोस हुंदा है कि माता चंद कौर दा कतल होया, तो कातल फड़न दी बजाय वह केस ठंडे बस्ते च पाता। संत बाबा रणजीत सिंह जी ढड्डियां वालिआं ते अटैक होया, ते किहड़े शहर च होया, जिथे बंदे च बंदा वजदा मैं उस शहर च रहिंदा। बंदे च बंदा वजदा पर गुस्सा नहीं करदा, समझ लिया कि रश है इस करके एतराज नहीं करदे। पर उह जे शहर च चार पंज किलोमीटर भी गोली मगर मगर चलती गई, जो मगर मगर गोली चलती गई ते अखीर आखे जा को साइया मार सके ना कोए, संत रणजीत सिंह बच गए ते नाल दे जिहड़े संत भुपेंद्र सिंह सीगे उन्हां दे गोलियां वज्जियां। ते अज तक इह गल दुख ते अफसोस है कि अज तक कातल फड़िया ही नहीं जा सकिया। ते बादल साहब कहिंदे की है, कहिंदे मैं इनक्वायरी सीबीआई नूं देती। भी मैं बेनती करा, मैं तो विधानसभा आख्या कि मुख्यमंत्री साहब कि जो किसी केस की सरकार इनक्वायरी सीबीआई नूं दिंदी है, उहदा मतलब हुंदा है कि सरकार दा ताम चाम सिस्टम सारा कुछ फेल हो गया। तो सीबीआई नूं इनक्वायरी देण दे नाल नाल जे मुख्यमंत्री जागदी कॉन्शियस वाला होए तो पहले नाल अस्तीफा लिखता। क्या मेरा रिजाइन लिखा हुआ है, पर मैं रिजाइन देण तो एक सेकेंड पहला इस केस की इनक्वायरी सीबीआई नूं दिंदा, तो इस तों अगां मैं रिजाइन दिंदा। पर एडे ढीठ हो गए, रिजाइन दा तां नां नहीं। मैं तां वी कहा कि बादल साहब तुसीं नौ सालां दी गवर्नमेंट की गल करदे हो, कितें आ वी गल करो कि थोड़े ते इल्जाम किहड़े किहड़े लगे, थोड़ी फैमिली ते एलीगेशन किन्ने क लगे, नशे दा एलीगेशन थोड़ी फैमिली ते, सैंड माफिया थोड़ी फैमिली ते, क्रैशर माफिया थोड़ी फैमिली ते, केबल माफिया थोड़ी फैमिली ते, ट्रांसपोर्ट माफिया थोड़ी फैमिली ते। मैं कहा थोड़े कोल विजिलेंस है, तुसीं घट्टो घट्ट विजिलेंस तो जांच करा लो। तुसीं विजिलेंस तो नहीं कराउणी जांच, ते मैं होर बेनती करदा स्पीकर साहब कोल इक पावर है कि उह सब कमेटी फॉर्म कर सकदी है, कि आ सब कमेटी मुख्यमंत्री दे लगे इल्जामां दी पड़ताल करूगी। मैं कहा बादल साहब तुसीं तां वी नहीं करा सके, तुसीं तां सब कमेटी नौ सालां च एक भी सब कमेटी नहीं फॉर्म कर सके। कई वारी कदम चलते रहे ते कलम रुक गई, लड़ाई हार गए, ते कई वारी कदम रुक गए, फौजी सौ गए, पर कलम चलती रही ते लड़ाई जित गए। मैं तुहानूं भी बेनती करा कि आओ रल के आ पंजाब दी डिगदी हुई शाख नूं, डिगदी हुई आर्थिकता नूं मुड़ रोक के फिर तो बुलंद करन लई, पंजाबियों दे चेहरियां ते फिर वो पुरानी रौनक देखण लई। मैं तां वी तुहानूं भी कहना समुचे पंजाबियों नूं सदा दिंदा कि मत सोचो, कई करी जांदे कि वोट डिवाइड हो जानी है, ऐ हो जाना ऐ, जदों पंजाबी एकमुट हो गए किते वोट डिवाइड नहीं होंदी। जमा चिंता ना करियो, धन्यवाद।